नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने भाजपा पर जमकर जुबानी निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने सासाराम में कहा कि भाजपा भीतर घात की राजनीति कर जदयू को समाप्त करने में लगा हुआ था, लेकिन बिहार सीएम नीतीश कुमार को मजबूत रहने से भाजपा का नहीं चल सका। देश के सीएम नीतीश कुमार विकल्प हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार को देश स्तर पर राजनीति करते लोग देखना चाहते हैं। पहले कदम से ही सीएम नीतीश कुमार के साथ जुड़ने हेतु प्रस्ताव आने लगे हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में बेहतर प्रदर्शन के साथ विकास कर रहा है। रोहतास जिला जदयू अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रस्तावों बिंदुओं की जानकारी जिला स्तर पर दी जा रही है। सभी दल एकजुट होकर जन विरोधी भाजपा को हटाने का कार्य करेंगे। जदयू का सदस्यता अभियान भी जारी है। गौरतलब हो कि पटेल धर्मशाला तकिया सासाराम में जदयू रोहतास कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के जुटे लोगों ने पार्टी के गाइडलाइन के संबंध में कई अहम जानकारियां शेयर किया है। बैठक में जिला प्रवक्ता रिंकू सिंह, अलक निरंजन, सबिता नटराज, सिकंजय कुमार सहित जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय जदयू पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक जो है पूरे जिले से जनरल आम कार्यकर्ता के साथ साथ जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं या प्रखंड अध्यक्ष सबको लेकर बैठक किया जा रहा है, और राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी का जो फैसला लिया गया है उस फैसला को हम अपने जिला में भी उसको उस चीज को उस प्रस्ताव को हम पारित करा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो बातें आई है कि आज हम जो NDA छोड़कर गठबंधन में गए हुए हैं, यह लोगों में हम रिपोर्ट ले रहे हैं जो खुशी है, सबका रिपोर्ट है कि यह बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी को पीठ में झूला घोस कर कमजोर करने का काम किया है, उसका यह पीछे का इतिहास है। सिर्फ नया नहीं, वह पहले भी जिस पार्टी के साथ तालमेल किया है उस पार्टी को खत्म कर दिया है। एक माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है या अपनी पार्टी को बचा पाए, या माननीय नीतीश कुमार जी का देन है, अगर कमजोर नेतृत्व होता तो यह पार्टी भी बचता नहीं, पार्टी टूट जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी की बहादुरी या तारीफ करेंगे, हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पार्टी को बचा लिया और अपनी सरकार को भी बचा लिया। और जिस गठबंधन में हम गए हैं उस गठबंधन पर एक चुनाव हम देखे हैं, टेस्ट किए हैं, अरे दूसरा होगा। हम 100% भरोसा है उस गठबंधन हमारी पार्टी मजबूत होगी और फिर हम अगला सरकार, और यहाँ तक कि फिर हम नीतीश जी को हम एक देश के स्तर पर लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, पूरा बिहार देखना चाहता है। उस स्तर में माननीय नीतीश कुमार जी अपना कदम बढ़ा लिया है, उसमें उन्होंने सफलता हासिल करी है। इन सारे सवालों पर यह बैठक आयोजित किया गया है। इन बातों के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के काम कर रहे हैं, पार्टी के मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है। और ये प्रस्ताव पर उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य प्रेसिडेंट बहुत बेहतर बोले हैं। तब नीतीश कुमार जी देश का एक विकल्प है जो देश का राजनीति कर सकते हैं। उनकी जो मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी अब देश की राजनीति करें, तो उससे बड़ी उत्साहित है और बेहतर काम कर रहे हैं। एकदम खुश है, और इसलिए खुश है आपने पिछला चुनाव आप लोग देखा है, कार्यकर्ता सभी विधायक नहीं होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता अपनी ताकत से जब विधायक बना देते हैं तो उनका लगता है कि मेरा मेहनत फल का फलाफल मिला। कार्यकर्ताओं में मायूसी इसी बात की थी कि इस बार जो सहयोगी मिला है बहुत भीतरघात किया है और इसका भरोसे हम आगे की राजनीति नहीं करते, वो मायूसी थी। आज उत्साहित इसलिए है कि महागठबंधन का टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। 2015 में महागठबंधन बना था तो अब देश में भाजपा की स्थिति इस राज्य को देखे होंगे, और कार्यकर्ताओं ने अति उत्साहित होकर हर विधायक 25 से 30 हजार और 40 हजार से चुनाव जीता था। अब तो हम पूरे जो समाजवाद धारा एक हुआ है और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी हम लोग के साथ हैं, सबको लेकर के उत्साहित। देखिए, जिला की बैठक तो समय समय पर होते रहता है, लेकिन ये बहुमूल्य इसलिए है कि पिछले दिनों राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में कुछ प्रस्ताव आया और अनुमोदन हुआ। प्रस्ताव था कि नया गवर्नमेंट हम लोगों की जो महागठबंधन बना है, एक ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।